वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हल्दी के हेल्प से आप इसमें डाल सकते हैं प्रोटीन। अब मैं हंस इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हम लोग पहले बना चुके थे वीडियो और वो थोड़ा गलत एंगल पे बन गया था, तो मैंने फिर से बनाई है। उसमें हल्दी मिक्स करते हुए दिखाया था पर वो वीडियो थोड़ी गलत बन गई थी तो मैं वो नहीं दिखा पाई। लेकिन इसमें हमने कितने स्पून हल्दी डाली है मम्मा? एक डेढ़ स्पून हल्दी डाली है। इस टाइप के स्पून थे, टेबल स्पून टाइप का ये। और फिर इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। जैसे हल्दी हमारे लिए भी काफ़ी हेल्दी होती है। हल्दी बहुत हेल्दी होती है। हल्दी वाह। वैसे ही प्लांट्स के लिए भी बहुत हेल्दी होती है। हल्दी बहुत हेल्दी होती है प्लांट्स के लिए। और ये आप देख सकते हैं, मम्मी स्क्रैप कहाँ गया? वो डाल दिया था तुमने वो टोकरी में जो वेजिटेबल्स थी। हम कटोरी में एक वो वेजिटेबल्स वगैरह लाए थे स्क्रैप, वो हमने खाद के लिए डाल दिया है। इसमें अभी खाद ही है, मैंने आपको एक बार दिखाया था ना। अभी बन ही रहा है, इसको कम से कम छोड़ना होगा 2-3 महीने के लिए। ये रहा वो हल्दी का वो मिक्सचर। अब हम इसको डालेंगे प्लांट्स में। ये जो हमने फर्टिलाइजर बनाया था उसको मतलब एक बार बनाने के बाद अब उसको छोड़ना नहीं है आपको ना, उसको ऑलमोस्ट 2-2 दिन पे ना उसको चलाते रहना होता है ताकि जो जो चीज़ें अच्छे से घूम तुम्हारा हाथ आए, अच्छे से एक दूसरे पे लग जाए, मिल जाए, मिक्स हो जाए। एग्जैक्टली कलर काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो अब हम ये पानी जो है प्लांट में डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसको सूखा भी डाल सकते हैं। ये एंटीबायोटिक प्रोवाइड करता है, इससे कीड़े भी नहीं लगते। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।